सेना के गनर्स बटालियन ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सटे नंगाली साहिब ब्लॉक में पूंछ ब्रिगेड की अधीन सेना की गनर्स बटालियन द्वारा बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन संस्था के सहयोग से नियंत्रण रेखा के नजदीकी क्षेत्रों के लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर के दौरान गोलाबारी से प्रभावित तारबंदी के उस पार सटे गाँव के लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान दूसरे राज्यों की डॉक्टरों की टीम विशेष तौर पर उपस्थित रही, जिन्होंने स्थानीय नागरिकों का चेकअप किया। इस चिकित्सा शिविर के दौरान नियंत्रण रेखा के दर्जनों गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ उठाते हुए निःशुल्क चेकअप कर दवाइयां प्राप्त की। इस चिकित्सा शिविर में सेना के गनर्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विशेष तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे डॉक्टरों के साथ मुलाकात की। वहीं स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्र के पंचों सरपंचों के साथ मुलाकात कर नियंत्रण रेखा के नजदीकी रहने वाले लोगों की परेशानियों को जाना। जी, मेरा नाम तालिब हुसैन है, मैं इसी गांव का पंच हूँ। जो आज ये हमारे इस गांव में, हमारी पंचायत में जो मेडिकल कैंप हो रहा आर्मी की तरफ से, नंगाली साहब, ये बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। ये पंचायत जो है बॉर्डर से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के फैसले पर है, और यहाँ पर जो है बहुत परेशानी है लोगों को। बॉर्डर में जब कोई लड़ाई वगैरह होती है तो सीधी जो है शेलिंग यहाँ होती है, और बहुत से लोग जो हैं शेलिंग में ज़ख्मी हो जाते हैं और वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो हमें, हमारी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि ये बार बार इस तरीके से इन इलाकों, बॉर्डर के इलाकों में कैंप लगाया जाए, ताकि जो ज़ख्मी लोग होते हैं या ऐसे लोग हैं जिनके जिनके ट्रीटमेंट जो पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, ताकि उनको फ़ायदा मिले। मैं डॉक्टर पूजा धार्मिक, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, नागपुर से आई हूँ। हम लोग बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन से आए हैं इंडियन आर्मी के साथ। हम लोग एक कैंप कर रहे हैं, एंड हम जो भी जगह पर अभी कैंप्स कर रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है। तो हमारा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं, उनका डायग्नोसिस कर पाए हैं, ताकि उनको आगे हेल्प हो सके। इंडियन आर्मी के एस ऑफ स्पेड्स गनर्स के पूंछ में जो गनर्स हैं, उन्होंने पूंछ के आवाम की खिदमत में, जो कि बिल्कुल LC के बॉर्डर के आसपास जिनका रहना है, कई तो इनमें ये भी है जो फेंस के आगे से भी इस मेडिकल कैंप के लिए आए हैं, उनके लिए इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके लिए आर्मी ने कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर सांस फ्रंटियर्स, जो कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन का हिस्सा है, वहाँ से भारत के सारे हिस्सों से डॉक्टर्स की टीम आई है आज और कल के लिए मेडिकल कैंप लगा है। इसमें स्किन स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, MD मेडिसिन, इस प्रकार के कुछ डॉक्टर्स, जिसके लिए यहाँ के दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को जो दूर दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता था, आज वही डॉक्टर्स इनके लिए ट्रैवल करके आए हैं, जिसके चलते मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।